नमस्कार, मैं भी प्रकाश सेवी जय के साथ धाकड़ है जनाब, आपका इस वक्त अभिनंदन है। और इस वक्त मौजूद है हम आज भवानी खेड़ा में, भवानी खेड़ा में आज साल भर से जो चेयरमैन का जो पद था वो खाली था और चेयरमैन की कुर्सी इसको लिखाई हुई थी और आज उस कुर्सी पर एक चेयरमैन का चयन हो चुका है, कुर्सी नियमित हो गई है और आज चयन हुआ चेयरमैन का रमेश काजला को सर्वसम्मति से, रमेश काजल को सर्वसम्मति से प्रधान बनाया है, चेयरमैन बनाया है। स्वागत है आपका जी। आज नगर पालिका का भवानी खेड़ा का लंबे समय से कार्यवाहक चेयरमैन चेयरपर्सन कार्य संभाली हुई थी। आज हमने पार्षदों की वोटिंग से या सर्वसम्मति से कहें रमेश काजल को हमने सर्वसम्मति से नगर पालिका अध्यक्ष चुन लिया है और हमें आशा ही निपूर्ण विश्वास है भविष्य में किसी प्रकार की लोगों की जो तकलीफें थी रोड सड़कें तथा शिविर और नालियों की तकलीफें जो दूर हो जाएंगी और हमें लगता है कि किसी भी प्रकार की तकलीफ ना होगी। जो चार सालों में काम हुआ हम 8 महीने में कस्बा के लोग और 15 के 15 पार्षद लग करके हम मेहनत से काम करेंगे, हम ऐसा महसूस कर रहे हैं। सरकार से भी हम मांग करेंगे कि इसके लिए विशेष ग्रांट नगर पालिका बड़ेखेड़ा का भेजिए जिससे कस्बा का पूर्ण विकास हो सके और कस्बा के जो मेहनत कश जो 15 के 15 पार्षद इस वक्त जो सुस्त से नजर आ रहे थे वो अपनी ताजगी के साथ आगे मेहनत से काम करें और कस्बा का विकास हो। धन्यवाद सर। सर स्वागत है धाकड़ा, धन्यवाद आपका भी स्वागत है। वेद प्रकाश जी क्या कहना चाहेंगे सर, आज चेयरमैन का चुनाव हुआ है तो कितने विकास कार्य हो पाएंगे? ये हमारे रमेश काजल जी आज उन्होंने अभी तो शपथ तो ली नहीं है, आज वो उनको सर्वसम्मति से चेयरमैन के पद पर मतलब नियुक्त किया गया है तो आगे देखा जाएगा कि क्या वो भाई बढ़िया ढंग से काम कर रही हैं या नहीं कर पा रही हैं, देखेंगे। हमारी भी गड़ियाँ कच्ची हैं, आशा करते हैं कि वो हमारी भी गड़ियाँ पक्की करवा दें। ठीक है काजल साहब, फिर हमारा यही अनुरोध रहेगा कि वो भाई हमारी तरफ भी थोड़ा ध्यान दें। धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद। स्वागत है सर आपका भी, शुभ नाम क्या है? मेरा कुमार नाम है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे कस्बा भवानी खेड़ा के समाज को पूरे सर्व समाज जो जिन्होंने सर्वसम्मति से चेयरमैन का चुनाव किया है रमेश काजल को नियुक्त किया है, हम पूर्ण आशा करते हैं कि जो अधूरे काम है गांव भवानी खेड़ा के, शहर भवानी खेड़ा के, वो पूरे हों और जो जितना काम पीछे नहीं हुआ है जिसके छोटे मोटे काम है वो पूरे हम रमेश काजल से आशा रखते हैं भी वो अपने जैसे जो जिम्मेवारी सौंपी है उसको पूरा करें। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, चेयरमैन का चुनाव हुआ है? वार्ड नंबर 7 से हम पार्षद हैं तो मैं आपके माध्यम से, मेरा साहिल है, मम्मी पार्षद हैं तो मैं आपके माध्यम से पहले तो पूरे गांव को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो बचे हुए काम जो कमियां रह गई हैं तो हमारा मकसद सिर्फ एक ही है। अब जैसे कुछ पानी की समस्या है, सीवरेज की समस्या है, झील में कुछ दिक्कतें रहती हैं, झील हमारी पूरी बनी नहीं है तो ये जो भी काफ़ी लंबी लिस्ट है जो काम कुछ रह गए हैं तो हम पूरा तन मन धन लगाएंगे इन काम को पूरा करने का ताकि ये गांव ने जो उम्मीदों से हमें चुनकर भेजा था हम उस उम्मीदों पर कुछ खरा उतर सकें। तो हमारी आगामी 6-7 महीनों में ये कोशिश रहेगी कि जो काम पेंडिंग रह गए हैं, अब झील है तो झील अच्छी बन जानी चाहिए थी वो नहीं बन पाई है अब तक, गलियां काफ़ी गलियां टूटी हुई हैं, बरसात आती है तो बहुत दिक्कत होती है तो उन गलियों को बनवाने की कोशिश रहेगी पूरी। बिजली में हालात अच्छे हैं, बिजली भवानी खेड़ा की 24 घंटे हो चुकी है लेकिन कभी फॉल्ट आ जाता है तो उस चीज़ का कोई इलाज, वो तो देखो आंधी आएगी, तेज आंधी आएगी तो दिक्कत आएगी। बिजली की हालात पहले से बहुत बेहतर है भवानी खेड़ा में। पानी की समस्या है, पानी गंदा आता है गली घरों में तो उसके ऊपर पूरा फोकस रहेगा, उसको हम सुधरवा कर ही दम लेंगे, ऐसे दम लें चैन नहीं लेने वाले। धन्यवाद सर। तो चेयरमैन जो नए चेयरमैन चुने हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे। तो साथ मौजूद हैं नव निर्वाचित चेयरमैन रमेश काजल जी, सर स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद खबर लेने आई और मैं भवानी खेड़ा के सबसे पूर्व चेयरमैन वाइस चेयरमैन उनका भी
पार्षदों का भी और विधायक का भी और मुख्यमंत्री का जी जो मेरे में विश्वास जताया है, सर्व समिति से सुनाया है, उनका मैं तय दिल से धन्यवाद करता हूँ और सदा इनका ऋणी रहूँगा और इनकी आज्ञा के बिना कोई भी काम नहीं करूँगा और पूछ के जो मेरे से कमी रह जाएगी इनसे इनके पास घर जाऊंगा, इनके सलाह लूंगा और यहाँ ही बुलाऊंगा। और मैं एक महिला पार्षद हूँ, एक और विश्वास दिलाता हूँ भारत पे एक दिन इनके घर चाय पी के और इनकी जो भी समस्याएं हैं उनसे विचार विमर्श जरूर करूँ। सर समय समय काफ़ी कम मिला है, चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, आप किस प्रकार से उनका सामना कर पाएंगे? मैं 15 के 15 पार्षदों को साथ लेकर विधायक साहब और मुख्यमंत्री से बजट की मांग करूँगा। बजट के साथ साथ पूरे भवानीखेड़ा की जनता जनता का सहयोग लेके जो भी समस्या होगी, मैं जो पूर्व मेरे जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन को के जो काम अधूरे रह गए थे उनका पूरा करूंगा पहले तो, और उनके आशीर्वाद के साथ इनके एक्सपीरियंस को साथ लेके इनके विचार विमर्श समझा करके उन कामों को मैं अपने कोई भी पहले मेरे वार्ड के काम नहीं करूँगा, पहले जो 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 वार्ड रह गए थे उनके काम करूँगा। सर पानी की और दूषित जल की समस्या बड़ी भारी है, तो किस प्रकार से उसका निराकरण करेंगे? पानी और सीवर ये है पब्लिक हेल्थ के अंदर आता है, नगर पालिका के अंदर नहीं है। हम सभी पार्षद मिल के पब्लिक हेल्थ के अधिकारी पर दबाव बना के उनको सुलझाने का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज चेयरमैन का चुनाव भवानीखेड़ा में आज एक संघर्ष का नाम बन चुका है मीना, तो क्या चेयरमैन साहब कोई काम नहीं कर पाएंगे तो क्या हम आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं क्या कहना चाहेंगे सर? मैं मीना जी को ये आश्वासन दिलाना चाहूंगा कि आपको जो दरी आपने लपेट रखी है उसको दोबारा खोलने का मौका नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारे पड़ोसी वार्ड में है और हमारा जो रास्ता है कहीं से निकलने का वो इनके घर के आगे से ही जाता है, तो हम बच के निकल ही नहीं सकते, ठीक है। और हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी बचे हुए समय में सरकार की तरफ से अनुदान आने में अब कोई देरी नहीं लगती, बचे हुए समय में जितने भी लंबित तो विकास कार्य हैं उनको पूरा करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हम भवानीखेड़ा शहर की जनता के आकांक्षाओं पे खरा उतरे। ये हमारा पूरा आपसे ये हमारा जवाब समझ लो, हमारा आश्वासन समझ लो या हमारी कमिटमेंट समझ लो, ये ऐसा रहने वाला है आने वाला समय। ये तो ही नहीं माने श्री विशंबर वाल्मीकि जी है, उन्होंने एकजुट से हमारा इलेक्शन करवाया। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ हमारे विधायक जी का, इन्होंने इकट्ठा करके चेयरमैन साहब और हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूँगा कि वो भवानीखेड़ा नगर पालिका को ज़्यादा से ज़्यादा बजट दे करके जो पीछे काम कोरोना के दौरान भी रह गए 2 साल हमारे में कर रहे तो वो सब काम कभी पूरी हो जाए। मैं एमपी साहब जी को आग्रह करता हूँ कि वो भवानीखेड़ा नगर पालिका को बजट दें। धन्यवाद सर। तो आपने देखा आज चेयरमैन का चुनाव हुआ है और अब भवानीखेड़ा में विकास कार्यों की छड़ी लगने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ में वेद प्रकाश सहयोगी जय के साथ धक्का है हरियाणा, कॉमेंट जरूर करें।
चेयरमैन रमेश काजल के घर पहुंचने के बाद परिजनों ने भी उन्हें तिलक लगाकर और जोरदार स्वागत किया और मिठाई खिलाई। आप देख सकते हैं चेयरमैन बनने के बाद पहली बार घर पहुंचने पर रमेश काजल का जोरदार स्वागत घर पर किया जा रहा है, तिलक लगाया जा रहा है, मिठाई खिलाई जा रही है। साथ में मीना चोपड़ा का भी स्वागत किया गया, उन्हें भी मिठाई खिलाई गई। आप देख सकते हैं किस प्रकार से रमेश काजल का स्वागत किया जा रहा है। रमेश काजल का घर पहुंचकर परिजनों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया है। भाभी करने एक दे दे